जैस के संरक्षक और मनावर से विधायक हीरालाल कलावा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, तैयारियां तो हो ही गई है, वो तो कब से हो गई तैयारियां शुरू। आज जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें आदिवासी भाइयों को जोड़ने की बात कर रहे थे आप, सरकार भी वही कर रही है, आप भी वही कर रहे हैं? आदिवासी भाइयों के साथ साथ जयस में हम लोग पिछड़ी जातियों की कई जो समुदाय है उनको जोड़ रहे हैं, हम लोग अनुसूचित जाति को जोड़ रहे हैं, हम लोग सामान्य वर्ग के भी गरीबों को जोड़ रहे हैं, हम लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के सभी पीड़ित लोगों को जोड़ रहे हैं और इस प्रदेश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन 2023 के तहत युवा नेतृत्व की तैयारी कर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि जयस जो पार्टी है वो बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ती है, अक्सर देखा गया कि कांग्रेस के साथ ही जाती है, पर बीजेपी और दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगड़ता है? नहीं, हम लोग बिगाड़ते नहीं, उनके समीकरण हमारे कारण बिगड़ जाते हैं, अब वो उनका मैटर है, लेकिन हम लोग हमारे प्रयास करते हैं, हम अपनी लाइन खींच रहे हैं, हम लोग युवा नेतृत्व के लिए, नए युवाओं को मौका देने के लिए युवा मिशन युवा नेतृत्व हम चला रहे हैं, अब इससे किसके समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे वो जाने, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। 2023 में जयस पार्टी किसका समर्थन करेगी? हम लोग का मकसद विधायक बनना, सांसद बनना या मुख्यमंत्री बनाना नहीं, हमारा मकसद इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, हमारा मकसद इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक प्रावधानों का लाभ दिलाना, हमारा देश का ये हमारा मकसद इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराना। अब निश्चित ही आने वाले समय में वक्त तय करेगा क्या होगा, कैसे होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन किसका समर्थन करेगा, ये तो वक्त तय करेगा, हम कौन होते, हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी सरकार कहती है जल जंगल जमीन जो है वो आदिवासियों की है, आदिवासियों को दे रहे, पैसा कानून भी लाया गया उसका बोलते हैं लाभ मिलेगा, आप बोलते हैं ये सब दिखावा है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ भाषणों में आश्वासन दे रही है जबकि ग्राउंड स्थिति बहुत अलग है। आज विभिन्न अभयारण्यों के नाम पे, टाइगर रिजर्व के नाम पे, मैना संरक्षण केंद्र के नाम पे आदिवासियों को, आदिवासी गांवों को जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है बड़े पैमाने पे प्रदेश में। आज आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार कानून, सामुदायिक वन अधिकार कानून के तहत, वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार आज तक, अभी तक 2006 के बाद अभी तक नहीं मिले हैं। आज आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। हाँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी अभी आदिवासियों को जंगल से हटाया गया, वहाँ रिजर्व का एरिया क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में जहाँ पे भी आदिवासी रह रहे हैं उनको जंगलों से, जो जंगल क्षेत्र के आदिवासियों को भगाया जा रहा है, उन्हें अवैध अतिक्रमणकारी बोला जा रहा है। लेकिन दुख का विषय, मुआवजा दे रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं 10-15 लाख नहीं चाहिए। आज आदिवासियों की पहचान उसकी जमीन से, आज उस जमीन से उसको भगा दोगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बात मुआवजे की नहीं है। जो आदिवासी कई पीढ़ी दर पीढ़ी जिस जंगल पे, जिस जमीन की रक्षा करते आए हैं, आज उनको उन जमीन और जंगल उनसे छीना जा रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सत्ताएं उनको उनका अधिकार देने के बजाय उनको जंगलों से भगा रही है। अच्छा, 2023 में चुनाव होंगे, जयस भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेगी ये समर्थन के साथ? जयस स्वतंत्र रूप से अभी तैयारी कर रहा है और निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया करेंगे, नया होगा, युवाओं को, नए युवाओं को हम मौका देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पहचान के लिए लड़ेंगे। जयस की पहचान निमाड़ क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी है, धार जैसे, धार से आप, मुनावर से आप, कितनी सीटों पर जयस चुनाव लड़ेगी और क्या है दूसरे? जयस की पहचान मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी है। जयस भारी संख्या में युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को हम लोगों ने सामाजिक जन चेतना के साथ साथ राजनीतिक जन चेतना उनमें जगाने में हम लोग कामयाब हुए हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हम लोग मिशन 2023 में काम कर रहे हैं और हम प्रदेश के लगभग 80 विधानसभा सीटों को चिन्हित करके वहाँ पर जो 47 आरक्षित सीटें हैं और 30 से 35 सीटें जहाँ पर 50,000 से 80,000 आदिवासी वोटर्स हैं, उन सीटों को चिन्हित करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प के तौर पर आ रही है, गुजरात में देखें तो 12% के करीब उनको वोट मिले, पंजाब में चुनाव जीत कर उन्हें सरकार भी बना ली अच्छी खासे वोटों से, MCD का चुनाव दिल्ली में, उसमें आप आम आदमी पार्टी के साथ संगठन कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारी जो जयस की जो लड़ाई है ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए युवा नेतृत्व, नया नेतृत्व देने की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी का अपना एजेंडा है, जयस का अपना एजेंडा है। हम लोग अपने अधिकारों के लिए, अपनी पहचान के लिए, संविधान में मिले संविधानिक प्रावधानों के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं। जयस का आखिरी वो सवाल है कि जयस 2023 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किस तरह चुनाव को देखती है वो?
देखिए जयस ने जो समाज जोड़ो अभियान का जो नया नारा दिया है, हमने आज के इस कार्यक्रम में 10 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, आज ये पखवाड़ा हमारा लगातार चलते रहेगा और समाज जुड़ते जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हमने 80 विधानसभा सीटों को चिन्हित करके तैयारी शुरू की। जयस को सवर्णों का वोट भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जयस को सबका वोट चाहिए। हम तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को हम साथ में लेके, हम अगर स्वर्ण लोग पीड़ित हैं तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, हम सबके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ हीरालाल कलाबा जी, जो विधायक भी हैं और जयस पार्टी के संरक्षक भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सभी समाज को, सभी पीड़ित वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। 2023 में जयस पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी, 80 विधानसभा सीटों में ये अपने प्रत्याशी उतारेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि जयस को जनता का कितना समर्थन मिलता है। कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।